अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्यारे दोस्तों, वैसे तो YouTube पे अंडा बनाने के बहुत सारी वीडियो पड़े होंगे, लेकिन जैसे मुझे बनाना आता है मैंने सोचा वो भी आपके सामने बना के हाफ फ्राई अंडा तो आपके सामने पेश करते हैं जैसे मुझे बनाना आता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा, फ्राइंग पैन में सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना और हल्की आंच पे इसको रख देना, और जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो एक अंडा जो है वो पहले ही मैंने इस कटोरी में डाला हुआ है, तो इसको बड़े एहतियात से इस फ्राइंग पैन में डाल देना है और आंच जो है बिल्कुल हल्की रखनी ताकि पैन पे लगे ना। और जो ही आपने अंडा इसमें डालना है इसको कवर कर देना किसी चीज़ से। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसको ढक्कन के साथ कवर कर देना और आंच बिल्कुल हल्की रखें, और इसकी जो मेरी नज़र में जो सीक्रेट है इसका, जो आप इसको कवर कर देते हैं इसमें जो भाप बनती है, स्टीम बनती है, वही उसको नीचे लगने नहीं देती है और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हो रहा ही है तो इसको कवर रखेंगे ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप इसको कवर नहीं रखते तो फिर बाद इसके साथ चिपक जाता है और जल जाता है, तो इसी चीज़ का ख्याल रखना और हल्का सा सब्र भी करना। और इस वीडियो के बाद मैं आइंदा भी जो मुझे आता है कुक करना वो मैं आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता पेश करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बनाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऑमलेट, आम सा जो ऑमलेट होता है, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने काट के डाली हैं, टमाटर, प्याज और लहसुन और केचप डाल देना, उसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी और लाल मिर्च डाल देनी और नमक हसबे ज़ायका डाल देना। वो भी मैंने रेडी करके रखा हुआ, इसके बाद फिर वो वीडियो बनाएंगे। अच्छा तो प्यारे दोस्तों ये बन गया, हाफ फ्राई तो खैर नहीं बना, फुल फ्राई हो गया। और इसके ऊपर आपने हसबे ज़ायका नमक और काली मिर्च और जो भी कोई स्पाइसेस डालना चाहें आपकी मर्जी है,
वो डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, जैसा भी बना कबूल फरमाइए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।